हेलो जी एंड वेलकम टू जेके किचन। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ मैगी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 3 पैकेट मैंने यहाँ पे मैगी के लिए ले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे और हमें इसे सिंपल बॉईल करना है, हमें इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है अभी। तो पहले हम बॉईल कर लेते हैं। ये मैंने अराउंड 3 पैकेट मैगी के होंगे, तो इसमें अराउंड मैं 4 कप पानी के ऐड करूंगी, 4 या 5 कप, उससे ज़्यादा आप इसमें ऐड ना करें। और ये हमारी मैगी 80% तक बॉईल हो चुकी है। अब हम इससे क्या करेंगे, इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। और ये हमने स्ट्रेन कर लिया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारी जो ये मैगी है बिल्कुल चिपके ना। तो इसे थोड़ा सा हिला लें ऐसे। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, पैन में मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया। ऑयल के साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें लहसुन को भी ऐड कर लिया हुआ है। अब लहसुन को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज, शिमला मिर्च, वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। हमें इसे पूरा पकाना नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक को ऐड करेंगे। नमक हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जो हम सॉस डालेंगे उनमें भी थोड़ा थोड़ा नमक होता है, तो इसलिए हम नमक थोड़ा सा ही बिल्कुल ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पहले पका लेते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें मैगी मसाले को भी ऐड कर लिया है। अब इसे भी भून लें थोड़ा सा। और सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंचीनेस इसमें रहना चाहिए। इसके साथ हमने मैगी को भी डाल दिया हुआ है। ये देखें, अब ये हमने मैगी को थोड़ा सा ऐसे हिला लें पहले। अब इसके साथ हम सॉसेस को ऐड कर लेते हैं। पहले सोया सॉस डाल लेते हैं, उसके बाद हम चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, इसके साथ ही अब हम रेड सोया सॉस को भी ऐड कर लेते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा हम केचप डाल देते हैं। और अब हम इसे करते हैं मिक्स। और ये हमारी चाइनीज़ मैगी बनके एकदम से रेडी हो गई है। और ये देखिए पूरी प्रॉपर से ये डन हो गई है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं हम। और ये बनाने में जितनी इजी है, खाने में ये उतनी टेस्टी होती है। तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और इसे ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।